काश ऐसे दिमाग में चीजें होती है। तो मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग क्या क्या है? जब भी कभी आग लगेगी तो ये तीन एलिमेंट्स आपके पास थे। तीन एलिमेंट्स कौन कौन से थे? हीट, ऑक्सीजन और तीन आपके पास में थे। उनको अवॉइड करने के लिए क्या करोगे? तो ये हैं आपके मेथड्स फायर फाइटिंग के लिए। सबसे पहला मेथड है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है आपको भूख से मार गए। किससे मारते हैं? आपको भूख लगी है, आप बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट के बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ है, बढ़िया पकवान है, आप खाते जा रहे हैं, आपकी भूख मिटती जा रही है। मैं कह रहा हूँ पकवान तो आपके पास है, डर क्या हुआ? तो आपको भूख लगी रहेगी ना, और आपको जब खाना मिलेगा नहीं तो क्या करोगे? तो फ्यूल नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी। ऐसा कहाँ पे होता है? बड़े बड़े खेतों में, बहुत बड़े फील्ड है, जंगल है, आग लग गई, फील्ड के अंदर आग लग गई और आग लगातार उसको खाना मिलता जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी फसल एकदम पक के तैयार है, पूरा का पूरा आग लगती है। तो हम क्या करते हैं? ट्रैक्टर लेते हैं गाँव के सारे के सारे, आओ भैया ट्रैक्टर ले आओ, और जहाँ पे अगर आग लगी हुई है तो इसके आस पास का जो सराउंडिंग है उसके ऊपर ट्रैक्टर चला के पूरी फसल को तहस नहस कर देते हैं। हैरो चलाते हैं हैरो उसके ऊपर, तो क्या करता है हैरो? फसल को मिट्टी में मिक्स कर देता है, मिट्टी में मिक्स कर देता है तो ऊपर ऊपर से जल जाता है और बाकी सारा आस पड़ोस का बच जाता है। उसको कहाँ पे यूज करेंगे स्टारवेशन को? बड़ी आग में, कहाँ पे यूज करेंगे? बड़ी आग, जैसे इसमें आग लग गई, इस पर्दे में आग लग गई, तो हमारा स्टारवेशन क्या कहेगा? कि इन टेबल्स को हटा के कुर्सी को हटा के साइड में कर दो। क्यों? ये बच क्योंकि आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा तो फैलेंगे नहीं, वहीं पे बंद हो जाएगी। जितना वो है पर्दा जल के बुझ जाएगा, ऊपर अगर कुछ है उसको फायर फाइटिंग कर लेंगे, लेकिन इसको और ईंधन नहीं देंगे और खाना नहीं देंगे। तो हमने क्या किया? आपको भूख से मार दिया। क्या किया? आपको भूख से मार दिया। वो तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग? आपको भूख से मार दिया। उसके बाद कूलिंग, कूलिंग का मतलब होता है ठंडा कर देना। क्या होता है? ठंडा कर देना। ऐसे कहाँ पे होता है? कहाँ पर ठंडा करते हैं? जो आपका टेम्परेचर है उसको डाउन कर देते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लो किसी कोल की फैक्ट्री में आग लगी है। किसकी फैक्ट्री में? कोल, कोयले की फैक्ट्री। आप तो यहाँ पूरा का पूरा कोयला ही कोयला है, चारों तरफ जहाँ देखो कोयले का जलने का क्या तरीका है? अगर कोयले की आग आपने बुझा भी थी तो भी नीचे भी जो है ना, नीचे आग लगी रहेगी, धड़कता रहेगा नीचे, वो पता ही लगेगा आपको। 10 दिन बाद हो सकता है फिर वहां से फूट जाएगा। क्यों? धीरे धीरे करके स्मोल्डरिंग होती रहेगी, सुलगता रहेगा, आपको पता ही नहीं है। कपड़े की आग, कोयले की आग, लकड़ी की आग, ऐसी आग होती है जिनको ऐसे ऐसे सरप्राइज देखे गए कि भैया आपने आग को बुझा दिया और 4 दिन बाद फिर आग बढ़ गई। क्यों? जब तक पानी उसके ऊपर था तो वो ठंडा होता रहा, धीरे धीरे पानी को उसने अपने आप गर्म करके भाप में उड़ा दिया और धीरे धीरे करके वो आग फिर धड़क गई। जैसे गांव में क्या करते थे, पहले आग को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था, ना माचिस होती थी ना तीली होती थी, वो गांव में ना नहीं होती थी। क्या करते थे? जो जानवरों का जो गोबर होता है गोबर से उपले बनाते थे, उपले बना के आग बना लिया करते थे। आग बना के और जैसे ही आप सुबह आग लगाई थी, आपने खाना बना लिया था, उसके बाद जो थोड़ी बहुत आग बचती थी उसको राख से दबा दिया करते थे। उसके बाद क्या करते थे? दोपहर में जब दोबारा आग लगाने की वो जरूरत है तो उसको हटाया, बीच में से एक उपला निकाला जो लाल होता था पूरा, उसको दूसरे उपले में अंदर के अंदर डाला, ऑक्सीजन दे के दोबारा आग को बढ़ा दिया करते थे ना। ये क्या कर रहे हैं? हम फायर को स्टोर करके रखते थे। क्या करते थे? स्टोर कर रखते थे, क्योंकि फायर होती नहीं थी, फायर को स्टोर करके रखना पड़ता था क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं था। आजकल सोर्स है, बारिश के दिनों खासकर बारिश के नॉर्मल में भी करते थे, दिन में भी, जैसे माचिस की तीली नहीं है कुछ भी है तो जो कोल आपके पास है रखा हुआ है उस कोल को डालो, लगा लो, तो फायर को स्टोर करके रखते थे। फायर को, फायर की उत्पत्ति कैसे हुई, फायर का आविष्कार कैसे हुआ, फायर का आविष्कार कैसे हुआ? फायर का आविष्कार भी एक एक्सीडेंट से हुआ। किससे हुआ? फायर का एक्सीडेंट भी, फायर का जो इन्वेंशन है वो भी एक्सीडेंट है। फायर की उत्पत्ति जो हुई है वो भी एक एक्सीडेंट की वजह से हुई। दो पार्ट आपस में घिसने से जनरली क्या पता, हम लोग आग का पता ही नहीं था,
वो जंगल में आग लग गई हुई घिस करके वही पता नहीं क्या हाल था। एक्सीडेंट से हुआ था आपका विश का जो हुआ था हमको पता ही नहीं था। हम लोग कच्चा खाना खाते थे, हमारा जो शरीर बना हुआ ना वो कच्चा खाना खाने के लिए बना हुआ भाई, कच्चा वेज खाने के लिए, नॉन वेज नहीं। नॉन वेज भी खा जाते थे सारे हमारे लोग, नॉन वेज भी तब खाना शुरू किया था, हमने सीख लिया था कि कैसे खा सकते हैं। पहले क्या था कुछ होता नहीं था, आग वगैरह कुछ जलता ही नहीं, लोग कच्चे पेड़ तोड़े फल तोड़े पत्ते खा लिए ऐसे करके आदमी सर्वाइव करता था। जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी तो पूरा हरा भरा जितना था सारा खत्म हो गया। आदमी को खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई, तो क्या हुआ था जो जंगली जानवर जो मरे हुए पड़े हुए थे ना उनको खाना शुरू कर दिया। अब खाना शुरू कर उसमें टेस्ट आया, उसमें वो तो रोस्टेड हो गए थे ना आग के अंदर, तंदूरी चिकन बन गए थे उनके, उसको खाया तो समझ में आया कि यार आग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, है ना, समझ रहे हो भैया। तो आप फिर पता लगा था कि आग की इतनी इम्पोर्टेंस है, आग को हम लोग ऐसे भी स्टोर करके रख सकते हैं। फिर क्या किया था, फिर आग को जलाने की जरूरत पड़ी, फिर बट जला के स्टोर करना वहीं से चला आता था उसे कि आग की जरूरत पड़ती है। फिर क्या पता लगा था कि आग से जानवर भी भाग जाता है, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी आग की जरूरत पड़ गई थी। रात को सोते हुए जाकर अपने आस पास में धुआं कर दिया करते थे, वैसे क्या था तो मच्छर भी नहीं आते थे और आग को देख के जानवर भी नहीं आता था कि वहाँ पे आदमी है, आग है वहाँ पे, क्योंकि आग से डरते थे जानवर, क्योंकि उन्होंने देखे हुए जंगल में आग लगी तो उनको जंगल छोड़ के दूर जाना पड़ता था, तो इसलिए डरते थे वो आग से। देखिए ना अपने मोगली वाली मूवी, लाल फूल बोलता है, हाँ लाल फूल बोलता है आपको, तो आग वाले एरिया में मत जाना भैया, लाल फूल में मत जाना। तो वो वही था ये कि आग को पहले जानते ही नहीं था क्या लाल फूल बोलते थे आपको, डरते पड़ सकते उससे, पता है सारा जलाए है ना। अब माचिस की पीली जब जलाते हो तब कितना जल जाता है, तो वो तो बॉडी की बॉडी पूरी की पूरी आग है तो जलाएगी वो तो 100%, तो इसलिए आग से डरता था आदमी। तो यूज करना तब शुरू किया जब एक्सीडेंट हो गया, जब भूखो मर गए, जब कुछ खाने को नहीं मिला तो ये खाना पड़ा, तब आदमी सीखा कि अच्छा जब जला हुआ इतना टेस्ट आ रहा है तो फिर पकाएंगे तो इतना बढ़िया टेस्ट आएगा। फिर धीरे धीरे बर्तन बने, फिर बर्तन बनने के बाद फिर कहाँ थे पहले बर्तन भी कौन चले, जंगल में रहता था आदमी, जो मिल गया खा लिया, फिर धीरे धीरे शिकार करना शुरू कर दिया, तब जाके शिकार वाला काम हुआ था शुरू, शिकार किया फिर उसको पकाया, पका के खाया, फिर क्या आपका आविष्कार हो चुका था। तो ये चीज़ें थी, इसके बाद में आपका आविष्कार हुआ था। तो आपको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स हैं स्टार्वेशन, आपको भूख से मार देना, कूलिंग आपको पानी से ठंडा कर देना, और स्मूदरिंग। स्मूदरिंग क्या है, स्मूदरिंग या ब्लैंकेटिंग, ब्लैंकेटिंग या स्मूदरिंग क्या करता है, आपको जो तीन चीज़ें चाहिए थी हीट ऑक्सीजन फ्यूल, पहले में आपने क्या किया फ्यूल को हटा दिया, क्या किया फ्यूल को हटा दिया, ईंधन हटा दिया, तो क्या हो गया आग मर गई भूख से। तीसरे में क्या कर दिया हीट को हटा दिया, ठंडा कर दिया, हीट कर दिया उसको ठंडा, हीट ठंडी हो गई। तीसरे में क्या कर दिया ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑक्सीजन को जो हटाने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं स्मूदरिंग। ये कैसे है, माचिस है किसी के पास, नहीं है, जैसे माचिस की पीली जली है स्मूदरिंग का एग्जांपल करेंगे ना। देखो भैया आग के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है बताओ, अभी आग लग रही है क्या, नहीं लग रही, ये क्या है फ्यूल है, ये सोर्स है, और सराउंडिंग में क्या है ऑक्सीजन, जब इसका फ्रिक्शन होगा तो आग लगी नहीं लगी, लेकिन फ्रिक्शन हुआ, आप देखोगे तो दोनों चीज़ें गर्म मिलेंगी, ये भी गर्म होगा ये भी गर्म होगा, दोनों हीट का सोर्स हुआ, हीट का आदान प्रदान हुआ। फिर क्या, फिर सोर्स हुआ, स्पार्क हुआ, ये तीनों चीज जब तक पार्टिकुलर में नहीं मिलेंगी ना एक दूसरे से तब तक फायर होगी, कैसे ऐसे ऐसे करते रहो हो रहे, हर बार स्पार्क हो रहा है ना लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना जरूरत है आग लगाने के लिए, हो रहा है बारूद की खुशबू आ रही है मेरे पास में, आग जल गई और तब तक जलेगी जब तक इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे, ऑक्सीजन फ्यूल और हीट तीनों चीजें मिल रही, जब तक जलती रहेगी जल रही ना, जलती जा रही है क्योंकि तीनों चीज बराबर मात्रा में मिलती जा रही है। ये क्या था ऑक्सीजन, कुछ टाइम की तो तीनों चीजें वहीं पे हैं, हीट भी वहीं थी, अभी भी हीट वहीं पे है,
अभी भी हिट वहीं पे है, सोर्स भी वहीं पे है, स्मूथनिंग भी वहीं पे है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली, स्मूथनिंग कर रहा हूं। कुछ देर के लिए क्या हुआ, कुछ देर के लिए क्या हुआ, हमने जबरदस्ती अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के ऑक्सीजन को कुछ टाइम के लिए हटा दिया, कुछ टाइम के लिए मिली सेकंड्स के लिए हटा दिया और आग बुझ गई। इसको क्या बोलते हैं, स्मूथनिंग। कि आपने क्या किया, जबरदस्ती ऑक्सीजन को रिप्लेस करके डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड से कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, ग्लूकोज के अंदर भी आग रहती है, ठीक है, इसी को चेक कर लेते हैं, समझ गया ना। तो स्मूथनिंग का मेथड कौन सा है, ये काम कौन सा करता है, ये तीनों इस काम को कर सकते हैं। ये तीनों क्या करेंगे, जैसे ये आग लगी हुई है, फोर्सफुली ऑक्सीजन को हटा देंगे वहां से, क्या करेंगे, फोर्सफुली ऑक्सीजन को वहां से हटा देंगे और ऑक्सीजन की जगह खुद ले लेंगे। ऑक्सीजन की हट, ऑक्सीजन हट गई तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की जगह ले ली पाउडर में, पाउडर ने क्या किया, ऑक्सीजन को बिल्कुल हटा दिया वहां से, तो उसकी जगह रिप्लेस कर दी, ऑक्सीजन जैसे ही कटअप होगी तो फायर कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर यही चीज कोयले के ऊपर है, कोयले के ऊपर आपने एक्सटिंग्विशर का यूज कर दिया, एक बार यहाँ घुस गई, क्या हमेशा के लिए घुस रही, क्यों, आग है ना भैया, अंदर को आग है, अंदर की आग कब बुझेगी, जब आप कूलिंग करें, ठीक है। तो हर क्लास के लिए, अभी क्लास के बात करेंगे कि कौन कौन सी क्लासेज आती है फायर सेफ्टी के अंदर, कि फायर के अंदर कौन कौन सी क्लासेज आती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये क्लियर है सबको। आग के लिए कौन कौन सी चीजों का होना चाहिए, हीट, ऑक्सीजन, तीनों चीजों को हटाएंगे क्या बनेगा, हीट को हटा दिया तो क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करनी पड़ेगी, फ्यूल को हटाना क्या करना पड़ेगा, अगर आग लग जाए कपड़ों में क्या करेंगे, आदमी में आग लग जाए तो ब्लैंकेटिंग करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे तो क्या होगा, फोर्सफुली आपने क्या किया, उस एरिया की ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दिया कुछ सेकेंड्स के लिए। ऐसा ज्यादातर गैस के एग्जाम्पल में होता है, एलपीजी सीएनजी ऐसे केस में ज्यादा होता है, जब आप ऑक्सीजन को कुछ देर में दूर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगी, फिर रिसाव होता रहेगा, उसको बंद कर देता है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। हाँ, ये क्लासेस हैं, क्लासेस